कैसे हो बेटा? तो बेटा आज अपने इस चैनल में हम मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था बेटा किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। बेटा दोनों पोल के बीच की दूरी को बोला गया था एल इफेक्टिव, और लेंथ बेटा क्या था, ये था। हमने क्या पढ़ा था बेटा, एल इफेक्टिव इज लेस देन लेंथ ऑफ द मैग्नेट। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? हमने बोला था बेटा इससे फील्ड लाइन आउट होती है, इससे फील्ड लाइन इन होती है। इसका पोल स्ट्रेंथ बेटा प्लस एम होता है और इसका माइनस एम होता है। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। क्लियर है बेटा कि नहीं? आगे बात इधर देखो। फिर बेटा हमने करंट के डायरेक्शन वाइज सोचा था, याद करो। देखो हमने बेटा एक लूप लिया था, इसमें करंट आई ऐसे जा रहा है। देखो अगर बेटा हम इसको इस तरीके से घुमाए तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड आएगा नहीं आएगा बेटा? यहां पर क्या होगा, इन होगा। यहां पर क्या होगा बेटा, आउट। तो ये होगा आपका नॉर्थ पोल और ये क्या होगा बेटा, साउथ पोल। देखो इसको अगर बेटा इस साइड से देखें, व्यू इस साइड से बेटा देखें अगर हम, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये वाला बाहर जाएगा यहां बेटा, तो इस तरीके से दिखेगा। देखो आगे बात बेटा की नहीं है? क्लियर है? अब इसमें बेटा मैंने आपको चीजें क्या सिखाई थी, देखो नॉर्थ और साउथ। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात, अगर हमें क्लॉकवाइज कैसा दिखे बेटा, इस तरीके से दिखे साउथ डायरेक्शन में बेटा, एक नॉर्थ डायरेक्शन में दिखे। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? करंट देखो बेटा, फिर से ये करंट मैंने उल्टा बता दिया। देखो इसमें ऐसे करंट जा रहा है बेटा कि नहीं जा रहा है? देखो ध्यान से। तो बेटा अगर इस साइड से देखोगे, इस साइड से करंट ऐसे जाना चाहिए, तो ये करंट का डायरेक्शन होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा कि नहीं? तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो बेटा, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ इस साइड और साउथ किधर बेटा, पीछे की साइड। इतनी सारी बातें हमने लास्ट वाले लेक्चर में सीखा था। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? अब आज हम क्या सीखेंगे, लिखो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो बेटा इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कैपिटल एम इक्वल टू था बेटा आई ए, याद आया कुछ? ये था बेटा फॉर करंट कैरिंग लूप। देखो बेटा इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन लेना सिखा चुका बेटा। अब इधर देखो, अगर बेटा कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। आगे बात बेटा क्लियर है? और इसका बेटा पोल स्ट्रेंथ एम है, एक बेटा इसका कितना होगा, माइनस एम होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट बेटा ये होता है एम इंटू एल, और एल क्या बेटा, एल है इफेक्टिव लेंथ। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात, ये एम की बेटा वैल्यू है, लिख लो। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इसका डायरेक्शन होता है डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। बेटा सेम इलेक्ट्रोस्टैट जैसा, साउथ बेटा यहां पर कैसा है देखो, नेगेटिव चार्ज जैसा है कि नहीं है? नॉर्थ कैसा बेटा, पॉजिटिव चार्ज जैसा है। तो वहां पर बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या लेते थे हम, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज बेटा। यहां क्या लेते हैं हम, साउथ पोल से नॉर्थ पोल के तरफ। क्लियर है बेटा कि नहीं है? और एल क्या बेटा, इफेक्टिव लेंथ है, लिख लो बेटा ध्यान से, इफेक्टिव लेंथ है। इधर देखो एग्जांपल के लिए, देखो बेटा अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, कुछ इस तरीके से बेटा, ऑफ रेडियस आर। फाइंड द डाइपोल मोमेंट। देखो बेटा अगर एम की बात करी जाए, तो एम इजकल टू होगा पोल स्ट्रेंथ
स्मॉल m और इससे इसके बीच की दूरी बेटा कितना होगा 2r। बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? ये नहीं बेटा कि आप यहां पर इस मैग्नेट की लेंथ लिख दो पाई आर। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात पक्की बात छाप लो। देखो उसको ऐसे भी सोच सकते हो आप, मैंने कहा था ना कि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ओवरलैप होता बेटा, तो इस तरीके से बेटा वेक्टर बनाते जाओ ढेर सारे छोटे छोटे, तो इसका डायरेक्शन बेटा नेट रिजल्टेंट ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? अब देखो, अब आपको सिखाता हूं बेटा पोल स्ट्रेंथ की यूनिट लिखना। देखो इस पूरे की यूनिट क्या होगी बेटा, वो सामने लिखा है कितना एम्पियर मीटर स्क्वायर यहां से, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, तो बेटा एम की यूनिट क्या आएगी? देखो ध्यान से, ये मीटर होगा बेटा कि नहीं होगा? तो ये होगा एम्पियर मीटर, ये है यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। ये बात बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? पक्की बात छाप लिया सब कुछ? छाप लो जल्दी से। क्लियर बेटा? देखो अब आगे बेटा जो टॉपिक कराने जा रहा हूं वो टॉपिक इस साल बोर्ड में से हटा दिया है। क्लियर है? जो आपका बेटा बोर्ड का एग्जाम होगा 2021 में 7 मार्च में, जो भी मार्च बोल लो, उसमें बेटा ये टॉपिक हटा दिया है। अभी नीट एंड जेई मेंस के बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं दिया गया है कि उसमें से भी हटेगा बेटा कि रहेगा। क्लियर है? लेकिन बोर्ड से बेटा सीबीएसई ने बोल दिया कि हटा दिया गया है। क्लियर है? अब सुनो, इस टॉपिक को बेटा मैं इसलिए पढ़ा देता हूं क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल इजी सा है और इसको आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा ध्यान से, हेडिंग लिखो बेटा आप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट इट्स एक्सिस। लिखा बेटा, सुनो ध्यान से बेटा, मान लो इसका लेंथ है 2L, ठीक है, और बेटा यहां से आपको r दूरी पर एक पॉइंट है बेटा P, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था बेटा, याद आया कि नहीं? क्लियर है? क्या करोगे बेटा आप, एक बार नॉर्थ पोल की वजह से लिखोगे, एक बार बेटा साउथ पोल की वजह से लिखोगे, और फिर क्या करोगे आप, दोनों का वेक्टर सम। यही कहानी है बेटा कि नहीं है? इधर देखो, यहां बेटा नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर आएगा, इसको मैं बोल देता हूं वी एन, इसकी वैल्यू आएगी बेटा म्यू नॉट, बिल्कुल वही फॉर्मूला देखो ध्यान से, अपॉन 4π। ये कांस्टेंट हो गया। देखो एक चार्ज की वजह से बेटा चार्ज होता था क्यू, यहां से आर दूरी पर फील्ड कितना होता था के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो यहां के की वैल्यू कितना था बेटा 1/4π ε0। क्लियर है? अब सुनो बेटा, अगर एक पोल हो बेटा जिसकी पोल स्ट्रेंथ m हो, ये डायपोल मोमेंट नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है, और इससे r दूरी पर आपको फील्ड लिखना हो, तो बेटा ये आएगा k m बाई आर स्क्वायर, और यहां बेटा k की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4π m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो पहले ही बोल चुका हूं कि ये क्या चलने वाला बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल की कॉपी चलेगी कि नहीं चलेगी, बस फर्क क्या है, कॉन्स्टेंट चेंज हो गया है और चार्ज की जगह पर क्या आ चुका है, चार्ज की जगह पे भैया पोल स्ट्रेंथ आ चुका है, बस सारी बातें पता है। अब देखो मैं क्या क्या कराने वाला हूं बेटा, डायपोल लूंगा उसके एक्सिस पर फील्ड, क्लियर बेटा, डायपोल लूंगा बेटा उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर फील्ड, याद आया डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पढ़ाया था,
वेरिएबल फील्ड में पढ़ाया था वो सारी चीजें बेटा यहां पर मैं रिपीट मारूंगा। क्लियर है कि नहीं है? तो बस ये समझ के चलो कि आपका रिवीजन चल रहा है। डाइपोल बेटा यूनिफॉर्म फील्ड में पढ़ा था, यहां भी पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, याद आया कुछ? वो सारी चीजें यहां हम करेंगे, बिल्कुल डिटो कॉपी पेस्ट चलेगा और कुछ नहीं। आगे बात इधर देखो बेटा, रफ करो, सॉरी, क्लियर बेटा। ये कितना जाएगा? म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम डिवाइडेड बाई, बेटा यहां से दूरी कितना? आर माइनस एल का स्क्वायर। नॉर्थ पोल की वजह से बेटा लिखा था पॉजिटिव जैसा बिहेव करेगा, अवे फ्रॉम द पोल होगा। साउथ की वजह से बेटा टूवर्ड्स द पोल होगा। बेटा इसको मैंने बोल दिया बी एस, ये होगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। क्लियर है बेटा कि नहीं है? अब बी नेट कितना होगा? बी नेट होगा बेटा अगर वेक्टर फॉर्म में आप चलो तो आप लिखोगे बी एन प्लस वी एस। क्लियर है? ये बेटा बी नेट होगा। अगर स्केलर फॉर्म में चलोगे आप तो आप लिखो देखो बेटा वी एन माइनस वी एस होगा बेटा कि नहीं होगा? इक्वल टू देखो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई बेटा कॉमन एम कॉमन, क्या लिखोगे बेटा आप? वन अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ये सारी बातें बेटा आप पढ़ चुके हो पहले भी, ये डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए था। म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई फोर पाई, इधर देखो बेटा एलसीएम लेंगे तो आर माइनस एल आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहां बेटा देखो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? पक्की बात? इधर देखो इजिकल टू म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई फोर पाई होगा बेटा कि नहीं होगा? और ये हमारे क्या देखो आपस में, ये आ गया बेटा फोर आर एल, नीचे देखो बेटा ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? पक्की बात? अब देखो अप्रोक्सीमेशन लो, इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन एल तो क्या बेटा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई फोर पाई, ये आएगा बेटा फोर आर एल और ये आ जाएगा आर के पावर फोर। क्लियर है? इधर देखो बेटा आर से आर हमारा एक, ये आया म्यू नॉट, क्लियर बेटा फोर एम, देखो इधर टू इंटू टू एम एल डिवाइडेड बाई कितना बेटा आर क्यूब। इधर आ जाओ बेटा इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा? पोल स्ट्रेंथ है एम बेटा, क्लियर है? और दोनों पोल के बीच की दूरी कितनी बेटा 12, तो क्या बेटा ये पोल स्ट्रेंथ ही लिखा है? देखो ध्यान से कितना आ गया, क्या ये आ गया बेटा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब। देखो बेटा डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन होता था साउथ टू नॉर्थ, यहां बेटा फील्ड देखो ये ज्यादा है कि नहीं है? क्लियर है? और ये कम है बेटा तो यही डायरेक्शन बचेगा, तो डायरेक्शन बेटा अगर आप वेक्टर लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो। कुछ नई बात आई बेटा कि देखो वही सिंपल सा फॉर्मूला रिपीट सा हो गया, ये हम पढ़ चुके बेटा, क्लियर है कि नहीं है? अब इसको फिर से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उससे आप रिलेट करो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले से, दनादन आंसर लिखो और कुछ नहीं करना आपको। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? छाप दो सारी कहानी, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा बेटा, चलो अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। बेसिकली एक छोटी
तीसरी बात आपको कई बार परेशान करती है, वो परेशान क्या करते हैं बेटा कि स्मॉल एम इंटू लेंथ पोल्स के बीच की इफेक्टिव लेंथ और आई ए एक जैसे कैसे हो सकते हैं, ये बात आपको परेशान करती है क्योंकि मैंने डायपोल मोमेंट वहां पे आई इंटू ए पढ़ाया था और यहां क्या पढ़ा हुआ बेटा पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ बिटवीन पोल्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बात तो थोड़ा सा अगर आप समझोगे ना तो ये भी चीज समझ में आ जाएगी। चलो मैंने क्या किया बेटा, एक लूप लिया। अब अगर बेटा आपको बात याद हो छोटी सी, इसमें करंट है आई, मैंने कहा था कि हर करंट कैरिंग वायर डायपोल जैसे बिहेव नहीं करते। कब बिहेव करते बेटा? जब वो क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हो तब वो बिहेव कर सकते हैं। याद आया कि नहीं याद आया? क्लियर है? तो यहां देखो बेटा, हमने माना इसका रेडियस कितना है आर। यहां बेटा इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पर फील्ड लिखते हैं बी, कितना आएगा? क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू। ये फार्मूला बेटा आपको याद है कि नहीं याद है? क्लियर है? अब सुनना ध्यान से देखो, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ठीक है, टू आई ए, क्लियर बेटा, डिवाइडेड बाई, इधर देखो बेटा, इफ जैसे इसमें कंडीशन लगाया था मैंने, इफ ए इज मच मच ग्रेटर देन आर, तो बेटा क्या यहां पर आ जाएगा? एक काम कर लो, इसका रेडियस ले लो बेटा ए और ये दूरी कितना ले लो आर, क्योंकि इसके सेंटर से आर दूरी पर निकाल रहे हैं, तो यहां उल्टा कर लो, आर इज मच मच ग्रेटर देन ए। क्लियर बेटा? तो यहां पे कितना बचेगा? क्या ये बचेगा बेटा आर क्यूब? क्लियर है कि नहीं है? देखो ध्यान से, और भैया यही क्या है बेटा एम की वैल्यू है कि नहीं? देखो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन आर क्यूब है बेटा कि नहीं है? ये बात बेटा समझ में आ गई नहीं आ गई? देखो ध्यान से, सेम फार्मूला ड्राइव होके आया बेटा कि नहीं आया? क्या दोनों के लिए अगर मैं डायपोल कंसिडर करूं, बार मैग्नेट को और इसको भी, तो इसके एक्सिस के लिए सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं बेटा कि नहीं कर सकते? देखो इसमें m कितना था बेटा, आई ए था, और इसमें m कितना था बेटा, 2ml के बराबर था कि नहीं बेटा? तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हुए कि नहीं हुए, सेम ही चीज हुई कि नहीं? क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? तो लिख लो, हेडिंग लिख लो बेटा, ये छाप गया ना, कंपेरिजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग लिखो बेटा फिर इसको छापना, कंपेरिजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप एट इट्स एक्सेस विथ अ बार मैग्नेट। लिखा बेटा, क्लियर है कि नहीं है? छाप दो इतनी बातें, ये डेरिवेशन छाप दो। लिख लिया बेटा, रफ करो। चलो अपने से ट्राई करो, अपने से क्या ट्राई करोगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट इक्विटोरियल पोजीशन। बेटा ये पोल स्ट्रेंथ है, ये पोल स्ट्रेंथ M, क्लियर बेटा? वही फिर से कहा, डिस्टेंस 2L और इसके सेंटर से बेटा R दूरी पर। देखो ध्यान से बेटा, ये नॉर्थ पोल मान लिया मैंने प्लस M, ये साउथ पोल माइनस M। बेटा इस पॉइंट पर जो फील्ड आएगा, क्लियर है, ये आएगा बेटा आपका नॉर्थ है तो बेटा इससे अब यह है बेटा B, और बेटा जो इसकी वजह से फील्ड आएगा ये इसके तरफ आएगा। क्लियर है? अब देखो बेटा इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका रिजल्टेंट बेटा इस साइड आएगा कि नहीं आएगा? देखो कैपिटल एम का डायरेक्शन ये होगा और वी नेट का डायरेक्शन क्या हुआ बेटा, ये हुआ कि नहीं हुआ? तो वी नेट उसमें भी अगर आपको याद हो बेटा, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में आया था कि नहीं आया था बेटा? यहां भी वही सेम कहानी है,
अब अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कर लेना बेटा, क्लियर है। मैं बेटा सीधा लिख दूं, वी नेट कितना आएगा बेटा, ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्लियर है, एम डिवाइडेड बाई आर क्यू, क्लियर बेटा। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, बी नेट इजिकल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर क्यू, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, आगे बात छाप लो इतना। छाप लिया बेटा, ड्राइव तो कर लोगे ना इस फॉर्मूले को, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा था कि नहीं, वही सेम चीज है बेटा, क्लियर है। अब सुनो, अब बेटा जो हमने एक रैंडम पोजीशन के लिए ड्राइव किया था याद है, वो सेम चीज यहां भी, अब उसको मैं ड्राइव नहीं करवा रहा बेटा, लिख लो सिमिलरली फॉर एनी रैंडम पोजीशन वी कैन यूज फॉर्मूला फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, आगे बात। अब सुनो सवाल इधर, अब हेडेक लिखो बेटा, डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब फिर से बहुत सारा डेरिवेशन बेटा नहीं करने वाला हूं मैं, ठीक है, बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म उसका नाम है या उसका अमाउंट बेटा बी रख दिया हमने, और एक डायपोल लिया बेटा हमने, इधर देखो डायपोल बेटा हमने ये लिया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, देखो बेटा नॉर्थ पोल बेटा फोर्स एक्सपीरियंस करता फील्ड के डायरेक्शन में आएगा एम इंटू बी, और साउथ पोल बेटा एक्सपीरियंस करता फील्ड के अपोजिट ये आएगा बेटा एम इंटू बी, ठीक है बेटा। ये लेंथ आप मान लो 2L है पोल से पोल के बीच की दूरी, तो जो बेटा टॉर्क आएगा आपका टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो नेट फोर्स जीरो है, एफ नेट जीरो ही है बेटा हर केस में, टाउ कितना आएगा बेटा देखो, यह आ जाएगा एमबी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी, कितना बेटा 2L साइन थीटा, बेटा क्या यह आ जाएगा एमबी साइन थीटा, या फिर बेटा टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, ये पढ़ चुके हो बेटा आप कि नहीं, पहले भी पढ़ चुके हो, कितना पढ़ा था बेटा टाउ इज इक्वल टू हमने पी क्रॉस ई पढ़ा था, याद आया बेटा कि याद आया, क्लियर है। अब वही कहानी टॉर्क टाउ मैक्सिमम कब बेटा, जब थीटा 90, मिनिमम कब जब थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, आगे बात। इधर देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना बेटा, हमने वहां पे पढ़ा था पी डॉट ई, तो यहां कितना आएगा बेटा माइनस एम डॉट बी, कितना आ जाएगा बेटा माइनस एम बी कॉस थीटा, क्लियर है बेटा कि नहीं। इधर देखो पी मिनिमम When theta is equal to 0, और कितना आएगा बेटा यहां 0 पुट करोगे बेटा 1, तो PE मिनिमम कितना आएगा, यह आ जाएगा माइनस MB, PE मैक्सिमम कब आएगा बेटा जब थीटा की वैल्यू 180 होगी, क्लियर है, तो PE मैक्स कितना आएगा बेटा MB, अरे cos 180 माइनस 1 होता बेटा, और थीटा 90 पर PE कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वही कहानी। इधर देखो बेटा इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब थीटा इक्वल टू 0 और 180, ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई, थीटा 0 पर पोटेंशियल एनर्जी कितना बेटा मिनिमम है कि नहीं है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये कब बेटा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो सारी चीजें कैसी बेटा फील हो रही है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले से कुछ अलग है कि बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल सेम बेटा है कि नहीं है, आगे बात छाप लो, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ।
आगे बात और देखो, इसी बेटा यूनिफॉर्म में हमने टाइम पीरियड निकाला था, क्लियर है कि नहीं? इधर देखो ध्यान से, देखो बेटा हमने क्या किया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी इसकी, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, हमने इस वाले कंडीशन बेटा ये लिखा पी, और इसको बेटा हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया ऐसे, तो ये एंगल बना थीटा बेटा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लगा होगा बेटा, टाउ इक्वल टू पीई, यहां कितना जाएगा बेटा, पी की जगह पर आ जाएगा एम, यहां आ जाएगा वी साइन थीटा, और थीटा बेटा स्मॉल है, क्लियर है? तो टाउ इक्वल टू कितना बेटा, एम बी थीटा, क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात बोलो, क्लियर हो बेटा? अब यही कहानी समझ आएगी, टाउ की बेटा वैल्यू आ गई रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू, अब किससे कंपेयर करते हैं बेटा, टाउ इक्वल टू कितना आई अल्फा, टाउ इक्वल टू कितना बेटा आई अल्फा, क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से क्या लिखोगे आप, आई अल्फा इक्वल टू एम वी थीटा बेटा, तो अल्फा इक्वल टू कितना एम बी बेटा एक कैपिटल एम है डिवाइडेड बाय आई इनटू थीटा, क्लियर है? और इस अल्फा की जगह बेटा आप क्या लिखोगे, कुछ याद आया? क्लियर बेटा? तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर थीटा बेटा, देखो ये रीस्टोरिंग है इसलिए माइनस वाला साइन मैंने लिखा नहीं है, तो कंपेयर कर दोगे बेटा तो ओमेगा स्क्वायर कितना आया, क्या ओमेगा स्क्वायर आया बेटा आपका एम बी अपॉन आई, और ओमेगा कितना होता बेटा टू पाई बाई टी, तो कितना आ बेटा रूट में एम बी बाई आई, क्लियर हुआ बेटा? नहीं, मतलब टी की वैल्यू कितनी है बेटा यहां से 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, ये आ गया बेटा कि नहीं आया? क्लियर है? पक्की बात, छाप लिखता लिख लो, डाइपोल टाइम पीरियड ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये बेटा वहां भी याद आपको बेटा कितना आया था, आई डिवाइडेड बाई एम की जगह कितना आया था बेटा पी, और बी की जगह कितना आया था बेटा ई, यही चीज वहां भी आई थी, कुछ नई बात नहीं सिखा रहा हूं आज के लेक्चर में, बस ये बात ध्यान रखो, ऐसे समझ के चलो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन चल रहा है और कुछ नहीं, आज छाप दे दे। लिखा बेटा इधर देखो, आई बेटा सेंटर ऑफ मास के अमाउंट लेना है, क्लियर है कि नहीं है? ध्यान से सुनो बेटा, देखो एक मैग्नेट लिया बेटा आपने, पोल स्ट्रेंथ एम, पोल स्ट्रेंथ एम, ये वाला बेटा एरिया जो था, ये वाला एरिया, ये एरिया इक्वल टू ए है, पोल से पोल के बीच की बेटा दूरी जो है वो 2L है, तो इसको कट करना हमने सीखा था कई सारे तरीके से बेटा, इसके दो बेसिक तरीके ले लेते हैं, एक बेटा इसको मैं ऐसे कट करता हूं, देखो ध्यान से, लेंथ अभी बेटा कितना है 2L है, और ये एरिया ए बाई टू कर दिया, तो एक दो मैग्नेट बेटा बनेंगे नहीं बनेंगे ऐसे, क्लियर है? आगे बात अब इधर देखो बेटा, इसके कैपिटल एम की वैल्यू होती एम इंटू टू एल होती बेटा, इसका बेटा पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ रिड्यूस कर जाएगा, याद करो बेटा तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा था पोल स्ट्रेंथ, मटेरियल पर, एरिया पर, और प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर, तो बेटा यहां पर दो चीजें तो चेंज हुई कट करने से, ना मटेरियल चेंज हुआ ना प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन चेंज हुआ, चेंज क्या हुआ एरिया,
तो हाफ हो जाएगा बेटा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। और लेंथ बेटा कितना रहेगा, 2l ही रहेगा बेटा। तो इसको अगर मैं बोलूं m1 तो कितना आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा m by 2 into 2l, तो ये कितना आ गया बेटा ml, क्या ये आ गया m by 2। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई, क्लियर है। इधर देखो दूसरा तरीका कट करने का कैसे बेटा, एरिया ये रहेगा अभी भी a और ये लेंथ कितना कर दो बेटा l कर दो, आगे बात बेटा कि नहीं आई, ठीक है। तो इसके m की वैल्यू बेटा इसको बोल देते हैं m2, तो ये कितना जाएगा m into l, तो क्या बेटा ये भी आ गया m divided by 2। मतलब दोनों केस में क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ इसमें रिड्यूस हुआ बेटा, इसमें रिड्यूस नहीं हुआ। लेकिन अगर बात करिए बेटा किसका, डाइपोल मोमेंट, दोनों केस में क्या हो गया, हाफ हो गया बेटा नहीं हो गया, क्लियर है। और एक बात सुनो बेटा, ऐसे कट करने से अगर इसका मास था m नॉट, तो इसका मास कितना होगा, m नॉट by 2 होगा बेटा कि नहीं होगा, तो इसके i की वैल्यू कितनी आएगी। चलो बेटा इसका बोल लेते i नॉट, ये कितना था सेंटर ऑफ मास के बाद बेटा एक रॉड कंसीडर कर ले, तो आता m नॉट 2l स्क्वायर by 12, अरे ml स्क्वायर बाय 12 होता बेटा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके लेंथ के परपेंडिकुलर हो, क्लियर है बेटा। ये कितना आ गया, ये आ गया m नॉट l स्क्वायर बाय 3 आया बेटा। इसका i कितना है बेटा, i1 मास हो गया बेटा चेंज, m नॉट बाय 2 m और लेंथ रहा बेटा सेम, 2l स्क्वायर बाई कितना बेटा 12, क्लियर है कि नहीं है। आगे बात तो देखो बेटा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 3 बेटा, ये आ जाएगा m नॉट l स्क्वायर बाई 6। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई, तो क्या ये आ गया बेटा i नॉट बाई 2, देखो ध्यान से क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। इसमें देखो बेटा इसको बेटा मैं बोलता हूं i2, i2 कितना आएगा, मास हो जाएगा इसका भी m0 by 2 और इसका लेंथ भी कितना हो गया बेटा l, तो इसका आएगा m0 by 2 l स्क्वायर y कितना बेटा 12, तो ये आ जाएगा m0 l स्क्वायर by 6 इन बेटा कितना जाएगा, देखो याद आएगा 2 into 12 आएगा कि नहीं आएगा बेटा, तो इसको आप लिख सकते हो m नॉट l स्क्वायर by, देखो बेटा ध्यान से यहां पे 3 है, यहां 3 निकालो कितना जाएगा ये 8 by 8 into 3, क्या बेटा ये आ गया आपका i नॉट by 8, क्लियर है बेटा नहीं है, पक्की बात क्लियर बेटा। इसको मैं बोल देता हूं केस वन और इसको बेटा बोल देता हूं केस टू, क्लियर हुआ। इधर देखो बेटा अब टाइम पीरियड बेटा लिखता हूं मैं, अगर ये टाइम पीरियड टी था बेटा तो टी वन कितना होगा, इसी के हिसाब से लिख रहा हूं, देखो ध्यान से 2 पाई अंडर रूट कितना बेटा, पहले वो आई नॉट रहा होगा कितना, ये हो जाएगा आई नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई m कितना बेटा, ये भी m by 2 into b बेटा, ये 2 से 2 मर गया, मतलब t1 equal to कितना है बेटा t के बराबर ही आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ। देखो ध्यान से यही वैल्यू आई बेटा कि नहीं आई, क्लियर। इधर देखो बेटा t2 की बात करते हैं, t2 की वैल्यू बेटा लिखा 2 by under root i not by 8, i not by 8 लिखा बेटा, क्लियर है। और ये बेटा कितना m by 2 into b, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं किया गया है, तो भैया देखो ये हो जाएगा 4 बेटा, ये आ जाएगा कितना 2 पाई i नॉट mb 1 by 4 रूट में बेटा, ये कितना देखो क्या ये t है कि नहीं है, तो क्या ये आ गया t by रूट में 4 2, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ।
पक्की बात, सारा कुछ छाप जाओ और कुछ भी नई बात नहीं सीख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखो। खाली और खाली आज हम रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी छापो बेटा इतना सारा कुछ। अब सुनो बेटा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, अब आपको दो चीजें मैं बोलूंगा, आप पीछे से उठा के लिख लेना फार्मूला। कौन कौन से बेटा? एक तो बेटा ये लिख लेना, अगर आपको अच्छे से याद हो, ये M1 है बेटा इसका, और यहां से R दूरी पर है बेटा ये M2, ठीक है, फोर्स बिटवीन देम, ये आपको लिखना है, होमवर्क है। पीछे से ट्रस्टेड वाले से चेक कर लेना फोर्स बिटवीन देम। और बेटा एक ये लिखना आपको, ये M1 है, आगे बात बेटा इक्विटोरियल पोजीशन पर है बेटा, इसके सेंटर से R दूरी पर, और इसका डायपोल मोमेंट है बेटा M2, क्लियर है, इनमें बेटा फोर्स लिखना है। और ये बेटा आपको मैं पहले भी लिखा चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैट में, सेम फार्मूला आएगा, रिलेट करके लिखने की कोशिश करना, नहीं हो पाता बेटा फिर मुझे बताना, क्लियर है बेटा कि नहीं है। तो आज बस हम इतना ही करेंगे।